दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल के समर्थक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती थे। क्या अरविंद केजरीवाल वाकई नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती थे? क्या अरविंद केजरीवाल की इतनी राजनीतिक ताकत है कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डर गए? क्या अरविंद केजरीवाल का देश में इतना बड़ा वोट बैंक है कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डर? या फिर अरविंद केजरीवाल ने खुद ऐसा भ्रष्टाचार किया है जिसकी वजह से वो जेल चले गए? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी बताइए, आपका क्या कहना है? क्या किसी एंगल से अरविंद केजरीवाल मोदी के लिए लोकसभा चुनाव में चुनौती? कई लोगों का ये मानना है कि मोदी ने केजरीवाल को इसलिए जेल भिजवाया क्योंकि मोदी को केजरीवाल से डर था और केजरीवाल लोकसभा चुनाव में मोदी के लिए चुनौती। तो दोस्तों, आइए इसी का विश्लेषण करते हैं हम आज। क्या वाकई ऐसा? सबसे पहला सवाल है, लोकसभा में आम आदमी पार्टी की कितनी भागीदारी? तो इस सवाल का जवाब है, लोकसभा में अरविंद केजरीवाल के सिर्फ पंजाब से एक लोकसभा सदस्य हैं जो भी उपचुनाव में जीते। जिस पार्टी का एक लोकसभा सदस्य हो, क्या वो पार्टी चुनौती दे सकती है देश की नंबर एक पार्टी को? ये आप खुद सोचिए, क्या ये दलील सही है? क्योंकि 2014 की लोकसभा के मुकाबले 2019 की लोकसभा में केजरीवाल की पार्टी मजबूत होने की बजाय कमजोर हुई है और अब वो समय है जो लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी के सामने कोई दिखाई नहीं दे। दूसरा सवाल है, जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे ज्यादातर देश का मूड बता रहे हैं और थोड़ा अंदाजा लग जाता है लोगों को कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जितने भी सर्वे हैं वो सभी बता रहे हैं कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं उनमें भी बीजेपी सबसे आगे है। कुछ सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली की 7 सीट जीत रही है, तो कुछ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कहां मोदी को चुनौती दे रहे हैं? अगर केजरीवाल दिल्ली में मोदी को चुनौती दे सकते तो फिर कहीं भी दे सकते हैं, ये बात फैक्ट है। बाकी आप सोचिए। अगला सवाल है, क्या केजरीवाल को चुनाव के वक्त ही अरेस्ट किया गया है जिससे वो चुनाव में प्रचार नहीं कर पाए? ये बड़ा सवाल है। अगर केजरीवाल जेल में रहते हैं तो वो चुनाव में जेल से प्रचार नहीं कर पाएंगे और इससे कहीं ना कहीं पार्टी की जो ताकत है लोकसभा चुनाव में उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल अपनी पार्टी के सार्वभौमिक नेता हैं। केजरीवाल के बाद अब पार्टी में कोई दूसरा मजबूत नेता नहीं है। जो नेता थे वो केजरीवाल की महत्वाकांक्षाओं की वजह से पार्टी छोड़कर चले गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल को चुनाव के वक्त क्यों अरेस्ट किया गया? दरअसल केजरीवाल को ईडी की तरफ से करीब 6 महीने से पूछताछ के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जानबूझकर ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने आदेश दिया तब भी केजरीवाल ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए, लेकिन जब कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम ईडी को पूछताछ से नहीं रोक सकते तो मजबूरी में केजरीवाल ईडी के सामने पेश हुए 6 महीने के बाद। ऐसे में यह कहना कि केजरीवाल को चुनाव के वक्त अरेस्ट किया गया है तो ये नाइंसाफ। अगला सवाल है कि क्या केजरीवाल खुद चुनाव के वक्त ईडी के सामने जाना चाहते थे जिससे लोगों की सहानुभूति मिल सके, जिससे लोगों को ये बताया जा सके कि देखिए केजरीवाल पर मोदी अत्याचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल लगे। आम आदमी पार्टी देश को यही बताने में लगी है कि देश में मोदी बनाम केजरीवाल है और मोदी केजरीवाल को सता रहे हैं। लेकिन कोर्ट सुनवाई की पूरी हकीकत लोगों के सामने आ रही है। कोर्ट में जांच एजेंसियों के सबूत इतने मजबूत हैं कि न चाहते हुए भी कोर्ट केजरीवाल को राहत नहीं दे पा रहा। ऐसे में ये सवाल कि केजरीवाल को चुनाव के वक्त ही लपेटा है, जनता में थोड़ा भ्रम रहा है इसे लेकर। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप भी बताइए। अगला सवाल है कि क्या केजरीवाल दूध के धुले हैं? तो ये सवाल तो अपने आप में ही बेकार लगता है। जिस तरह से केजरीवाल और उनके नेताओं पर कोर्ट ने सख्ती की, उससे लोगों के मन में सवाल घर कर गया है कि आखिर कोर्ट केजरीवाल और उनके नेताओं पर इतना सख्त क्यों है। तो इसका जवाब है, केजरीवाल और उनके नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास इतने मजबूत सबूत हैं कि न चाहकर भी कोर्ट उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसे में ये कहना कि केजरीवाल और उनकी टीम दूध की धुली है तो ये अतिशयोक्ति होगी।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का सिर्फ शराब वाला ही मामला नहीं है, बाकी भी मामले हैं जो बताने को मजबूर हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है। अगला सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों को ये लगता है कि केजरीवाल के अरेस्ट से आम आदमी पार्टी को लोगों की सहानुभूति मिलेगी? तो दोस्तों इसका जवाब है कि केजरीवाल को सहानुभूति क्यों मिलेगी और क्यों नहीं मिलेगी, ये कई फैक्टर पर निर्भर करता है। अगर ये स्थापित हो गया कि केजरीवाल और उनके गैंग ने भ्रष्टाचार किया है तो लोग केजरीवाल का साथ नहीं देंगे। हाँ, वो साथ रहेंगे जो कट्टर समर्थक है। तो ऐसे लोगों से पार्टी को कभी कोई फायदा नहीं होता जो कट्टर समर्थक होते हैं। वो सिर्फ पार्टी को सही गलत नहीं देखते, सिर्फ समर्थन करते हैं। ऐसे समर्थक हर पार्टी के पास होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आम पब्लिक जो वाकई वोट करती है वो केजरीवाल के समर्थन में आ पाएगी? आम लोगों को केजरीवाल के समर्थन में आने के लिए जरूरी हो जाता है कि केजरीवाल पाक साफ निकले। लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ सबूत बड़े मजबूत हैं। इसका एक और पहलू है, ऐसे में तब ज्यादा समर्थन मिलने की उम्मीद थी केजरीवाल को जब केजरीवाल के सामने वाला विपक्षी नेता भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा होता। तब लोग कहते कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन सामने वाला नरेंद्र मोदी है, कोई कमजोर और अलोकप्रिय नेता नहीं है। ऐसे में केजरीवाल और विपक्ष के पास सिर्फ उम्मीद के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि मोदी की छवि और लोकप्रियता देश में बहुत बड़े लेवल पर है। आप मोदी को देख लो, किसी भी सर्वे में वो भारत को तो छोड़िए दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे में विपक्ष को मुद्दे मोदी के सामने बड़े सोच समझ कर रखने चाहिए। वैसे विपक्ष जिस तरह से मोदी से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है उसमें उसके सफल होने के कितने चांस हैं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये बात सत्य है कि मोदी को घेरने के लिए विपक्ष के पास न सोच ही है और न ही मुद्दे। बेरोजगारी, महंगाई पर विपक्ष सिर्फ बातें करता है, अपना कोई एजेंडा नहीं बताता कि वो कैसे बेरोजगारी और महंगाई पर लगाम लगाएगा। वहीं भ्रष्टाचार में तो विपक्ष खुद फंसा हुआ है, ऐसे में इस मुद्दे पर तो कुछ बोलने का है ही नहीं। तो दोस्तों आप भी बताइए आपके मन में जो है।